हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टारडस्ट में। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुष्मान खुराना की टॉप हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ के बारे में। व्यूअर, बात करें आयुष्मान खुराना की, तो उन्होंने 2012 में रिलीज़ होने वाली मूवी विक्की डॉनर से अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ किया और उनकी परफॉर्मेंस वाइज करियर बेस्ट मूवीज़ में शामिल है दम लगा के हईशा, बरेली की बर्फी, बधाई हो, ड्रीम गर्ल, बाला, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और गुलाबो शिताबो जैसी बढ़िया मूवीज़ में उन्होंने परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट एक्टिंग की है। लेकिन उनकी रिलीज़ होने वाली ये तमाम मूवीज़ कलेक्शन के एतबार से कौन से नंबर पर रही हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आयुष्मान खुराना की तमाम मूवीज़ को कलेक्शन के एतबार से सॉर्ट करेंगे। व्यूअर, आयुष्मान खुराना ने अब तक 20 से कम मूवीज़ में काम किया है, तो इसलिए उनकी तमाम मूवीज़ को कलेक्शन के एतबार से सॉर्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो यार, आयुष्मान खुराना ने अब तक 15 मूवीज़ में काम किया है, तो कमाई के एतबार से नंबर 15 पर रहने वाली फिल्म है हवाई ज़्यादा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था वीबू पुरी ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी श्रद्धा शामिल थे और ये फिल्म 30 जनवरी 2015 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 34 करोड़ और उसने इंडिया में जस्ट 3 करोड़ 53 लैक्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 5 करोड़ 59 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर हवाई ज़्यादा एक डिजास्टर मूवी करार दी गई थी। और व्यूअर, यहाँ पे आप व्यूअर्स को बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो के कलेक्शन हमने इंडिया के कलेक्शन के एतबार से मूवीज़ को शॉर्ट किया है। कमाई के एतबार से नंबर 14 पर रहने वाली आयुष्मान खुराना की मूवी है मेरी प्यारी बिंदु। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आकाश रॉय ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, परिणीति चोपड़ा शामिल थी और यह फिल्म 12 मई 2017 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 22 करोड़ और इसने इंडिया में 9 करोड़ 59 लैक्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 17 करोड़ 34 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर मेरी प्यारी बिंदु एक फ्लॉप फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई। कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 13 पर रहने वाली फिल्म है बेवकूफियाँ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नूपुर अस्थाना ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, सोनम कपूर और ऋषि कपूर शामिल थे और यह फिल्म 14 मार्च 2014 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 22 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में 13 करोड़ 94 लैक्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 22 करोड़ 20 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर बेवकूफियाँ एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। और व्यूअर, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की नंबर 12 पर रहने वाली फिल्म है नौटंकी साला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रोहन सिपी ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, पूजा सलवी, कुणाल रॉय कपूर शामिल थे और ये फिल्म 12 अप्रैल 2013 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 16 करोड़ और इसने इंडिया में 21 करोड़ 70 लैक्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 30 करोड़ 97 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर नौटंकी साला एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई। और व्यूअर, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 11 पर रहने वाली फिल्म है दम लगा के हईशा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शरद कतारिया ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर शामिल थे और यह फिल्म 27 फरवरी 2015 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 14 करोड़ और इसने इंडिया में 30 करोड़ 19 लैक्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 43 करोड़ 50 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर दम लगा के हईशा एक सीमी हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई। कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 10 पर रहने वाली फिल्म है बरेली की बर्फी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अश्वनी अय्यर तिवारी ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और प्रीति सेनन शामिल थे और यह फिल्म 18 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 20 करोड़ और इसने इंडिया में 34 करोड़ 55 लैक्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 58 करोड़ 55 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर बरेली की बर्फी एक एवरेज मूवी करार दी गई। और व्यूअर, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 9 पर रहने वाली फिल्म है विकी डॉनर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुजीत सरकार ने और ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए आयुष्मान खुराना की डेब्यू मूवी भी रही थी। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, यामी गौतम, अनु कपूर और पूजा गुप्ता शामिल थे और यह फिल्म 20 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 10 करोड़ और इसने इंडिया में 35 करोड़ 5 लैक्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 55 करोड़ 97 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर विकी डॉनर एक हिट फिल्म करार दी गई थी। और व्यूअर, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 8 पर रहने वाली फिल्म है शुभ मंगल सावधान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आर एस परसाना ने।
फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर शामिल थे और यह फिल्म 1 सितंबर 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 25 करोड़ और इसने इंडिया में 43 करोड़ 11 लाख की कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 65 करोड़ 64 लाख और बॉक्स ऑफिस पर शुभ मंगल सावधान एक सेमी हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई थी। और फ्रेंड, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 7 पर रहने वाली फिल्म है शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हितेश कवालिया ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और गजराज राव शामिल थे और यह फिल्म 21 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 50 करोड़ और इसने इंडिया में 60 करोड़ 78 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 86 करोड़ 39 लाख और बॉक्स ऑफिस पर शुभ मंगल ज़्यादा सावधान एक एवरेज मूवी करार दी गई थी। और व्यूअर, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 6 पर रहने वाली फिल्म है गुलाबो शिताबो। इस फिल्म का डायरेक्ट किया था सुजीत सरकार ने। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, फर्रुख जाफर शामिल थे और यह फिल्म 12 जून 2020 को डिजिटली इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। गुलाबो शिताबो मूवी का बजट था 45 करोड़ और इसकी डिजिटली डील हुई 65 करोड़ में। ये एक सक्सेसफुल डील रही थी तो इसलिए इस फिल्म को एक एवरेज मूवी का स्टेटस दिया जा सकता है। और व्यूअर, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 5 पर रहने वाली फिल्म है आर्टिकल 15। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुभव सिन्हा ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, नासर, मनोज पलवा शामिल थे और यह फिल्म 28 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 30 करोड़ और इसने इंडिया में 65 करोड़ 25 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 91 करोड़ 79 लाख और बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 15 एक हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई थी। और व्यूअर, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 4 पर रहने वाली फिल्म है अंधाधुन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था श्री राम राघवन ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे, तब्बू, अनिल धवन शामिल थे और यह फिल्म 5 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 32 करोड़ और इसने इंडिया में 74 करोड़ 59 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 456 करोड़ 89 लाख और बॉक्स ऑफिस पर अंधाधुन एक सुपरहिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई। और व्यूअर, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 3 पर रहने वाली फिल्म है बाला। इस फिल्म का डायरेक्ट किया था अमर कौशिक ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम शामिल थे और यह फिल्म 7 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 45 करोड़ और इसने इंडिया में 116 करोड़ 80 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 171 करोड़ 48 लाख और बॉक्स ऑफिस पर बाला एक सुपर हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई थी। और व्यूअर, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की दूसरे नंबर पर रहने वाली फिल्म है बधाई हो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अमित रविंद्र नाथ शर्मा ने और फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, सानिया मल्होत्रा, नीना गुप्ता और गजराज राव शामिल थे और यह फिल्म 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 29 करोड़ और इसने इंडिया में 137 करोड़ 61 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 221 करोड़ 44 लाख और बॉक्स ऑफिस पर बधाई हो एक ब्लॉकबस्टर मूवी का स्टेटस हासिल कर पाई थी। और व्यूअर, कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की अब तक की नंबर 1 पर रहने वाली फिल्म है ड्रीम गर्ल। इस फिल्म का डायरेक्ट किया था राज शेंडालिया ने। फिल्म की लीड कास्ट में आयुष्मान खुराना, नुसरत भरूचा, अनु कपूर शामिल थे और यह फिल्म 13 सितंबर 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 30 करोड़ और इसने इंडिया में 142 करोड़ 26 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 200 करोड़ 80 लाख और बॉक्स ऑफिस पर ड्रीम गर्ल ये भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी का स्टेटस हासिल कर पाई थी और अब तक की कमाई के एतबार से आयुष्मान खुराना की नंबर 1 मूवी साबित हुई है। और व्यूअर, आयुष्मान खुराना की रिलीज़ होने वाली इन तमाम मूवीज़ का अगर हम जायज़ा लें तो इन 15 मूवीज़ में आयुष्मान खुराना की 2 मूवीज़ ब्लॉकबस्टर, 2 मूवीज़ सुपरहिट, 2 मूवीज़ सीमी हिट और 2 मूवीज़ हिट रही हैं। और आयुष्मान खुराना की इन 15 मूवीज़ में 3 मूवीज़ एवरेज, 1 बिलो एवरेज, 2 फ्लॉप और 1 डिज़ास्टर रही हैं। और इस तरह कुल मिलाकर आयुष्मान खुराना की ये 15 मूवीज़ ने इंडिया में 853 करोड़ 95 लाख के कलेक्शन किए हैं। और फ्रेंड, था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आयुष्मान खुराना की रिलीज़ होने वाली तमाम मूवीज़ को कलेक्शन के एतबार से सॉर्ट किया है। और व्यूअर, आयुष्मान खुराना की रिलीज़ होने वाली इन तमाम मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ हैं कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज़ के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। और आयुष्मान खुराना की अपकमिंग मूवीज़ चंडीगढ़ करे आशिकी और अनिल, ये मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन करेगी और आज की इस लिस्ट में कौन सी नंबर पर ये रहेंगी आयुष्मान खुराना की, क्या ये नंबर 1 की पोजीशन होल्ड कर पाएंगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।